ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर तहकीकात हकीकत। यूरोपियन किंगडम से सहारनपुर लौटे 18 लोगों के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोरोना सैंपल लिए हैं। कोरोना जांच के लिए सभी लोगों को राजकीय मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। इसके साथ ही 28 दिनों तक यूरोपियन किंगडम से लौटे सभी लोग स्वास्थ्य विभाग की टीम की निगरानी में रहेंगे। हालांकि अभी तक किसी भी व्यक्ति में खांसी, बुखार आदि किसी अन्य बीमारी की शिकायत नहीं मिली है, जिससे स्वास्थ्य अधिकारी राहत महसूस कर रहे हैं। आपको बता दें कि यूरोपियन किंगडम समेत अन्य देशों में कोरोना वायरस स्ट्रेन को लेकर देश भर में खलबली मची हुई है। जो लोग यूरोपियन किंगडम से सहारनपुर लौटे हैं, उनकी लखनऊ और पंजाब से लिस्ट स्वास्थ्य विभाग को मिली है, जिसके बाद स्वास्थ्य अधिकारी अलर्ट हो गए हैं। साथ ही यूरोपियन किंगडम व अन्य देशों से लौटे ऐसे लोगों की तलाश शुरू कर दी है। सहारनपुर पहुंचे सभी लोगों की कोरोना सैंपल लिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के लिए राहत की बात यह है कि किसी में खांसी, बुखार और जुखाम जैसे लक्षण नहीं है। सैंपल को राजकीय मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है, जिनके रिपोर्ट आज देर रात तक आने की उम्मीद है। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बीएस सोडी ने जानकारी देते हुए बताया कि सहारनपुर पहुंचे 18 लोगों की लिस्ट हमें लखनऊ से प्राप्त हुई है। सभी लोगों को हमने ट्रेस कर उनके कोरोना सैंपल भी लिए हैं, जिनके रिपोर्ट आज देर रात तक आ जाएगी। और अभी हमने मेडिकल कॉलेज में भी इंटरनेशनल कोई भी व्यक्ति अगर आता है तो उसके लिए अलग से वार्ड बनाया है। देखिए, इसकी लिस्ट हमारे पास लखनऊ से आई थी, जिसमें 18 लोग हैं। ये सब हमने ट्रेस कर रखे हैं और इनके सैंपल्स भी हो गए हैं, जिनके रिजल्ट्स अभी आए नहीं हैं। और अभी हमने मेडिकल कॉलेज में भी इंटरनेशनल अगर कोई बीमार सिम्टोमेटिक होता है, उसके लिए अलग से व्यवस्था वार्ड बनवाने की भी कह रखा है। और जब हमारे पास रिजल्ट्स आ जाएंगे तो हम आपको अवगत करा देंगे। ऐसा कोई भी सिम्टम नहीं है, कुछ तो बहुत इनके 14 दिन पूरे भी हो गए हैं, अपने घर में आराम से ये लोग रह रहे हैं, बाहर निकलने के लिए नहीं मनाही कर रहे हैं। इसमें लक्षण सब वही पुराने जैसे हैं, कोई ऐसा नहीं है नया लक्षण, बस उसने म्यूटेट, ऐसा कह रहे हैं लोग कि म्यूटेट हो गया वायरस। हमारे यहाँ कोई ऐसा अभी इसका मरीज नहीं है। यही है, बाहर से आने वाले लोग जितने भी हैं, सबसे पहले हमसे कांटेक्ट करें, जिससे कि हम उन्हें चिन्हित कर लें और हम उन्हें घर पर रखें, आइसोलेट रखेंगे। और अगर कोई सिम्टम होंगे तो हम उन्हें एडमिट कराएंगे।